हेलो दोस्तों, मैं हूं रक्षा गुप्ता, आपकी जीएस के एजुकेटर। वेलकम टू श्योर पाठशाला। डेली डोज की सीरीज में देखते हैं कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमारी कल कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट थी, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया नेशनल टेक्नोलॉजी डे, क्या है भैया? नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। 11 मई को आपने एक मूवी देखी होगी, परमाणु। अभी मूवी आई थी, बहुत ही अच्छी मूवी थी, आप देखी नहीं है तो देखिएगा। परमाणु मूवी आई थी, उसमें ये बताया था कि भारत का परमाणु अभियान किस प्रकार से चला था। तो यही है नेशनल टेक्नोलॉजी डे का कारण। 11 मई को इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट, वो भी सक्सेसफुल। और पूरे वर्ल्ड के सामने हमने डिक्लेयर किया था कि अब इंडिया एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, मतलब अब इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर है। ये हुआ कब था? 11 मई 1998। ये सेकंड टाइम था जब हमने किया था। इससे पहले हम 1974 में ट्राई कर चुके थे, बट इंटरनेशनल वर्ल्ड में हमने डिक्लेयर नहीं किया था। जब हमने डिक्लेरेशन दी कि इंडिया अब जो इंडिया है वो न्यूक्लियर पावर स्टेट है, वो हुआ था 11 मई 1998 को। इसीलिए 11 मई को हम टेक्नोलॉजी डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं, क्योंकि इंडिया ने इस दिन बहुत बड़ा अचीवमेंट किया था। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। बात हो रही है न्यूक्लियर बॉम्ब की, तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि आज की डेट में ओनली 10 कंट्रीज के पास है न्यूक्लियर बॉम्ब, और के पास नहीं है। केवल विश्व में 10 कंट्री के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। कौन कौन है वो? एक तो अमेरिका हो गया, डेफिनेटली आपको पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक किया था अमेरिका ने। फिर रशिया हो गया, रूस, चाइना, इसके बाद आता है आपका फ्रांस, यूके, देन इंडिया, पाकिस्तान, इसके बाद आता है आपका साउथ सूडान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल। इन 10 देशों के पास है आज की डेट में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, अदरवाइज नहीं है। मैंने आपको ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में बताया था, तो वो हुई क्यों थी? क्योंकि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता था और वर्ल्ड नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आ जाए, तो इसीलिए ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी। अभी वर्तमान में 10 देश हैं, वे भी आगे बढ़ जाएं, ईरान बना ले अपना न्यूक्लियर बॉम्ब, तो वो भविष्य के कर पे है, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी आप याद रखेंगे क्या कि नेशनल प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। कब से? 1998 से। इस दिन इंडिया न्यूक्लियर पावर स्टेट हो गया था। तो इस टॉपिक से आप इतना ही सीखेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। कल बहुत न्यूज में था प्रोजेक्ट मानव। प्रोजेक्ट मानव इसे बोला जा रहा है ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव। मतलब क्या है इसका? आपने पढ़ा हुआ एटलस। एटलस क्या होती है? ज्योग्राफी की एक ऐसी बुक होती है जिसमें मैपिंग होती है, मैप्स होते हैं इसमें। लेकिन मैंने यहाँ बोला ह्यूमन एटलस, क्या इसमें ह्यूमन की मैपिंग होगी? यस, इसमें ह्यूमन की मैपिंग होगी। इसमें ह्यूमन की टिश्यूज की मैपिंग होगी, टिश्यूज की यानी कि ऊतकों की। अब ऊतक क्या है, पहले ये समझते हैं। हमारी बॉडी में जो कोशिका होती है हमारे जीने का आधार होती है, मतलब हमारे शरीर की जो संरचनात्मक इकाई है वो कोशिका है, क्रियात्मक इकाई है वो कोशिका है। जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं, जब बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं, उनके समूह को बोला जाता है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बनाती है टिश्यूज। तो अब साइंटिस्ट क्या करने वाले हैं? टिश्यूज का एक एटलस बनाएंगे, टिश्यूज को स्टडी करेंगे और पता करेंगे कि ह्यूमन है उसको हम कैसे और ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे और ज़्यादा समझ सकते हैं। इसलिए जो है टिश्यूज की एटलस बनाई जाएगी, जिसे बोला जा रहा है ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव। आपको सिंपली बोल देगा कि प्रोजेक्ट मानव क्या है, आपसे ज़्यादा डीप में नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा कैसे, प्रोजेक्ट मानव क्या है, और उसने दिया क्या? प्रोजेक्ट मानव में मानव का सूर्य पे जाने का मिशन, मानव का चंद्रमा पे जल खोजने का मिशन, मानव के टिश्यूज के बारे में जानने का मिशन, या नन ऑफ दी एबव। तो आपका आंसर कौन सा होगा? तीसरा, मानव का टिश्यूज के बारे में, ऊतकों के बारे में जानने का मिशन इस प्रोजेक्ट मानव, जिसे बोला जा रहा है ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी ज़्यादा रिपोर्ट्स नहीं आई हैं इसकी, अभी हमारे पास केवल इतनी न्यूज़ है, साइंटिस्ट ने केवल इतनी न्यूज़ दी है पूरे वर्ल्ड को कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, बट अभी ऐसा स्टार्ट नहीं हुआ है। हम लोग वर्क कर रहे हैं इस पर, मतलब हमारे साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं। जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, अचीवमेंट्स होंगी और इंडिया जो अचीव करेगा वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा टाइम टू टाइम। बट एज ऑफ नाउ आपको याद रखना है प्रोजेक्ट मानव किससे रिलेटेड है। इसमें ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव है ये, इसमें टिश्यूज को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि हम कैसे ह्यूमन को और अच्छे से समझ सकते हैं। आपको पता है कि पहले इतनी जानकारी नहीं थी हमें अपने बारे में, लेकिन आज बहुत हद तक जानते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा जानने के लिए टिश्यूज की स्टडी की जा रही है, दैट इज नोन एज प्रोजेक्ट मानव। तो आप इतना याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। दो दिन पहले रिपोर्ट आई है कि आपने सुना होगा सनस्क्रीन, डेफिनेटली सुना होगा, यूज भी करते होंगे डेफिनेटली। सनस्क्रीन क्या होती है? सन की जो टैनिंग होती है उससे प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन यूज की जाती है। आपने करी होगी शायद कि सूर्य की रोशनी में जा रहे हैं या धूप में जा रहे हैं तो सनस्क्रीन लगा के जाते हैं, इससे टैनिंग ना हो जाए या जो उसकी रेज है वो हार्म ना करे सूर्य की, इसलिए सनस्क्रीन का यूज होता है। ये अब कर क्या रही है सनस्क्रीन, ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के लिए नेगेटिव बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि इस सनस्क्रीन से कोरल रीफ क्या हो रही है, डाई कर रही है, कोरल रीफ मर रही है ना, ट्रेटर हो रही है ये तरीके से। अब पहले समझिए कोरल रीफ क्या होती है। इसे शायद हिंदी में बोलते हैं मूंगे की चट्टान, मूंगे की चट्टान। जो जितनी स्पीसीज आज हमारे यहाँ वर्ल्ड में है, अर्थ के ऊपर है, उतनी उससे ज़्यादा, एक्चुअल में अर्थ से भी ज़्यादा स्पीसीज हमारे समुद्र के अंदर है। समुद्र के अंदर जो है, आपने देखा होगा कि समुद्र के अंदर बहुत रंग बिरंगा सब कुछ होता है, रंग बिरंगी आकृतियाँ होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं। वो रंग बिरंगी जो आकृतियाँ होती है ना, उन्हें हम कोरल रीफ्स बोलते हैं। जो बहुत कलरफुल होती है, जो बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, उन्हें बोला जाता है कोरल रीफ। कोरल रीफ के ऊपर एक एल्गी रहती है, एल्गी यानी कि एक शैवाल रहता है जिसे बोलते हैं जूसेंथली। आपसे पूछ लेते हैं कि कोरल रीफ के अंदर कौन सा शैवाल रहता है, तो जूसेंथली रहता है। होता क्या है समझेंगे, कोरल रीफ जो होती है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। तो इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, इसके ऊपर रहती है एल्गी यानी कि शैवाल। तो क्या होता है, ये कोरल रीफ इन शैवालों को रहने के लिए स्थान प्रोवाइड करती है। और जो ये शैवाल है, आपको पता है शैवाल हरे होते हैं, नीले होते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण, यानी कि भोजन बनाते हैं। तो कोरल रीफ क्या करती है, इन्हें स्थान देती है। तो इन्हें स्थान दिया कोरल रीफ ने, और ये जो खाना बनाएंगे ये कोरल रीफ को देते हैं। यानी कि यहाँ पे कैसी रिलेशनशिप हो रही है, यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो रही है, मतलब एक दूसरे का फायदा देख रहे हैं। ये इन्हें स्थान दे रहे हैं और ये इन्हें खाना दे रहे हैं एक दूसरे को। तो अभी क्या हो रहा है, सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा यूज की जा रही है। सनस्क्रीन से क्या होता है, जो बीच पे जाते हैं, बीच तो आप जानते ही होंगे, समुद्र का किनारा बीच कहलाता है। जब बीच पे जाते हैं और स्विमिंग करने जाते हैं तो लोग सनस्क्रीन लगा लेते हैं, जैसे कि सन टैन ना हो जाए। सनस्क्रीन जब हम लगा लेते हैं तो पानी में जब जाओगे तो पानी में घुलेगी सनस्क्रीन या नहीं घुलेगी, और वो एल्गाई को मार देती है। एल्गाई मरेगी तो इनको खाना नहीं मिलेगा कोरल्स को, और कोरल मर जाते हैं। कोरल के लिए सबसे ज़्यादा थ्रेटनिंग हो रहा है सनस्क्रीन का यूज़। तो गवर्नमेंट बोल रही है, मतलब वर्ल्ड लेवल पे बोला जा रहा है कि इसे बैन कर दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ कहाँ है। रीफ एक्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको पता है अमेरिका का मैप कुछ, वो ऑस्ट्रेलिया का मैप कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे है 23 किलोमीटर लंबी कोरल रीफ। विश्व की सबसे लंबी है, इसे बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। तो विश्व की सबसे लंबी कोरल रीफ है ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे पाई जाती है। तो आप क्या करेंगे, इतनी बातों को ध्यान में रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है ये अपाचे खरीद रही है। कहाँ से? अपाचे गाइडेड मिसाइल। ये हम लोग अपाचे गाइडेड हेलीकॉप्टर हम खरीद रहे थे। कहाँ से? तो इसी की तरह हम चिनूक भी खरीद रहे थे। आपको पता होना चाहिए हम कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से खरीद रहे हैं। तो चिनूक जो है हेलीकॉप्टर, ये हमने कहाँ से खरीदा है? यूएस से। और जो भी अन्य है, तो आपको अपाचे के बारे में पता होना चाहिए, चिनूक के बारे में पता होना चाहिए। S 400 हम कहाँ से खरीद रहे हैं? रशिया से। Mi-35 हमने कहाँ से खरीदा था? रशिया से। मैचिंग के लिए आता समटाइम्स से कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ से खरीदी थी। अपाचे हमने यूएस से खरीदा, चिनूक हमने यूएस से खरीदा, S-400 हमने रशिया से खरीदा, Mi-35 हमने रशिया से खरीदा। फिर पूछते हैं ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने किसके साथ मिलकर बनाई है? तो भारत ने ये मिसाइल बनाई है रशिया के साथ मिलकर। भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और रशिया की मॉस्कोवा नदी, इसलिए इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। और क्या है? बराक 8। बराक 8 क्या है? ये भी एक मिसाइल है। ये हमने किसके सहयोग से बनाई है? ये हमने बनाई इजराइल के सहयोग से, इजराइल के सहयोग से। तो राफेल जो हम खरीद, मतलब इसका मैचिंग आ जाती है कि हम किससे क्या ले रहे हैं। राफेल जो विमान हम खरीदने का, राफेल समझौता चल रहा है, ये फ्रांस के साथ चल रहा है। तो आपको इन देशों के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम किससे क्या खरीद रहे हैं, कौन सा हमारी आर्मी को एम्पावर कर रहा है। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखेंगे। और मैंने आपको कुछ न्यूज और बताई थी, इसराइल से हमने एक अभी हाल ही में खरीदा है, रशिया से हम खरीदते रहते हैं, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन सबको आप रिवीजन करेंगे और प्रीवियस डे का आप रिवाइज करते रहेंगे, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, कोई फायदा नहीं रहेगा। रिवीजन मस्ट है अभी इन सब चीज़ों के लिए, डेली डोज के लिए या करंट अफेयर्स के लिए। तो आप क्या करेंगे, इसको रिवीजन करेंगे, लास्ट डे का प्रीवियस रिवीजन करेंगे। किसी दिन हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, तब देखते हैं आपने कितना रिवाइज किया है लाइव सेशन। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।